टाटा कर्व टाटा की फर्स्ट कूपे एसयूवी है और इसकी कुछ लीक समझ आई हैं। और भाई इस वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल सवाल जवाब मिलेंगे टाटा कर्व को लेकर, इसकी लॉन्च डेट क्या होगी, प्लेटफॉर्म कितने होंगे, भाई इलेक्ट्रिक में रेंज कितनी होगी, और ऐसे मल्टीपल सवाल जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सो वॉच टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आप यहाँ पर देख सकती हो, और यहाँ पर गाड़ी अराउंड कोई कॉन्सेप्ट वाले मॉडल से अराउंड सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ ऐसे खास फर्क यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है। अराउंड गाड़ी यहाँ पर सिमिलर सी है। इसका अगर आप लोग फ्रंट देखोगे तो वहाँ पर पूरा पार्ट साइड प्रोफाइल वगैरह सब कुछ वैसा ही है। और वहाँ पर एक और चीज आपको दिख रही है कोने में पीछे, वो आगे बताऊंगा आपको क्या है, पहले सब कुछ देख लेते हैं। सो फ्रंट के बीच में आप लोग ध्यान से देखोगे वहाँ काला काला सो गाड़ी का लोगो है जो कुछ छुपाने की कोशिश की गई है, ऐसे कुछ लगा दिया वहाँ पर कवर टाइप का। और यहाँ नीचे हमें बहुत सारी छेदी लाल वाली ऐसे ग्रिल दिख रही है, दैट मींस ये डीजल पेट्रोल वाली है। इलेक्ट्रिक तो ऐसी पूरी ढकी होगी फ्रंट से, वहाँ पर हवा जाने की जगह नहीं होगी, बट यहाँ पर मामला ऐसे पूरा खुला हुआ है इंजन को ठंडा करने के लिए। और बाकी यहाँ पर भी आप देख सकती हो गाड़ी की हेडलाइट, ये हेडलाइट है बट नहीं भी है, मतलब है भी और नहीं भी, मतलब असली लाइट यहाँ पर छुपाई गई है या फिर लगाई ही नहीं गई है, ये तो ऐसे छोटा सा लगा दिया यहाँ पर पीले बल्ब होंगे दो ताकि कंपनी वाले ऐसे टच कर पाए अपनी गाड़ी को। बाकी रियल जो एलईडी में होगी वो तो अंदर है। और इन व्हील्स को पहचान रहे हो, कहीं और देखा क्या आपने, याद करो शायद से देखा हो कहीं टाटा नेक्सॉन के अंदर। सो सिमिलर सी व्हील है यहाँ पर भी, सो हाँ ठीक भी एक तरह से, बट टाटा नेक्सॉन 4 मीटर के अंदर आती है और टाटा कर्व के साइज 4.3 मीटर का होगा, दैट्स मींस ये क्रेटा सेल्टॉस के साइज में आने वाली है, लेकिन बस साइज में, नॉट अ प्राइस में, प्राइस में उससे काफी महंगी हो सकती है। अराउंड इसका प्राइस आप लोग 15,99,000 रुपए से लेकर 26-27 लाख के आसपास मान सकते हो, जो कि फिर भी थोड़ा बहुत तो वैल्यू फॉर मनी है ही, थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो है ही। और बाकी ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, और के नीचे वहाँ पर आप छोटा सा कैमरा देख सकते हो। और यहाँ डोर पर डोर हैंडल्स नहीं है, पता है क्यों भाई, अंदर घुसे हुए हैं वही हैं एक्सयूवी वाले, आउट इन हुआ। और बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें इंटरव्यू की भी झलक दिख रही है, गाड़ी की सीटें वगैरह यहाँ पर आप देख सकती हो, ऐसे व्हाइट कलर की सीटें होंगी। और भाई ऐसे साइड से ऐसे लंबी सी सीडान लग रही है, एसयूवी तो नहीं कह सकते सीडान लग रही है, बिकॉज हमने अभी तक ऐसी गाड़ी इंडिया में देखी नहीं है ना, इसलिए ये इंडिया की पहली कूपे होगी। और बाकी अगर इसकी बात करें कि ये क्या है पीछे ऐसे मोटा सा लटका हुआ, तो ये कुछ नहीं है भाई, ऐसे हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लगा दिया है थर्माकोल टाइप का बड़ा सा कुछ, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो पाए, बट इनको पता नहीं है हमारे पास एक्सरे वाली आंखें हैं। अब चलिए आपको फटाक से इलेक्ट्रिक पेट्रोल डीजल प्लेटफॉर्म पर बता देता हूँ। तो इसके इलेक्ट्रिक के अंदर आपको अराउंड 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, और जो इसका चार्जर होगा वो एज कम्पेयर टू नेक्सॉन वगैरह से और नेक्सॉन ईवी मैक्स वगैरह थोड़ा बहुत फास्ट रहेगा ज्यादा, जो कि गाड़ी को जल्दी चार्ज करेगा। और जो प्लेटफॉर्म होंगे इसके अंदर दो आएंगे, एक इलेक्ट्रिक के लिए और एक पेट्रोल डीजल के लिए अलग। और अगर इसके पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसके अंदर आने वाला है, जिसकी पावर 160 bhp होगी। और आप जानते ही हो ये वाला पेट्रोल इंजन टाटा हैरियर सफारी के अंदर भी आएगा, जो कि अगस्त सितंबर के आसपास लॉन्च होने वाली है उनके अंदर भी। और बाकी डीजल की एग्जैक्ट हमें बीच में नहीं पता कि कौन सी bhp होने वाली है, बट 1.5 लीटर का डीजल इंजन आने वाला है जिसकी पावर 160 bhp के ऊपर होगी, और ये बिल्कुल नया डीजल इंजन होगा। वैसे इंजन तो बढ़िया है और गाड़ी भी बढ़िया है, बट इनसे बढ़िया एक और चीज है, रेड वाला सब्सक्राइब बटन, सो प्लीज क्लिक इट।